नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ पूनम। उत्तराखंड में टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में कोट के महर गांव में आदमखोर कुलदार को ढेर करने के लिए क्षेत्र में 6 शूटर तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में तैनात वन विभाग की टीम ड्रोन और ट्रैप कैमरे से भी कुलदार की तलाश में जुटी हुई है। रात को भी उसकी टोह लेने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी कुलदार कहीं नजर नहीं आया। भिलंगना ब्लॉक में हिंदाव पट्टी के कोट महर गांव में 19 अक्टूबर को अपराह्न करीब 4:30 बजे दुकान से सामान लेकर घर लौट रही 13 वर्षीय साक्षी को घात लगाए बैठे गुलदार ने मार दिया था। उसके बाद से गांव में दहशत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले जब क्षेत्र में पहली घटना हुई थी उसी समय से गुलदार को पकड़ने और शूट करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। गुलदार के भय के कारण ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुलदार के खौफ में जी रहे ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द ढेर करने की मांग की है। खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गुलदार प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष विक्रम घड़ाता ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है, इससे अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। अभिभावकों की मांग पर वन विभाग की ओर से वाहन की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।